आज हम बात करेंगे पेनल्टी मूवी के बारे में इस मूवी की इनिशियल रिलीज डेट है 19 जुलाई 2019 इस मूवी को डायरेक्ट किया है शुभम सिंह ने इसकी आई एम डी वी रेटिंग है लुकरम एक फुटबॉलर बनना चाहता है उसी सपने को पूरा करने के लिए वो मणिपुर से लखनऊ आता है एस में एडमिशन लेता है वो ट्रायल रजिस्ट्रेशन के लिए लेट हो जाता है क्योंकि मणिपुर में भूकंप आ गया था उसका रूममेट है ईश्वर ईश्वर उसकी हेल्प करता है ट्रायल के लिए पार्थ सर लुक्रम का नाम ट्रायल लिस्ट में ऐड कर लेते हैं विक्रम को जब ये पता चलता है तो वो पार्थ को डिसीजन लेने से पहले पूछने के लिए बोलता है विक्रम पार्थ को एक मैच कराने के लिए कहता है किसी लोकल क्लब के साथ वो मैच एस हार जाता है रंजीत इसका ब्लेम लुक्रम पे लगाता है फिर नंबर आता है ट्रायल सिलेक्शन का जिसमें लुक्रम बहुत अच्छा खेलता है जिसकी वजह से रंजीत लुक्रम से किलस जाता है और वो लुक्रम को मारने के लिए उसके रूम में चले जाते हैं जब ईश्वर रूम में नहीं होता ईश्वर को फ़ोन करके क्षितिज बाहर बुला लेता है लुक्रम किसी तरह बच जिसके रूम में छिपता है वो उसको ईश्वर को उन्हीं लोगों के साथ लुक्रम को दिखाता है लुक्रम दूसरे दिन विक्रम और पार्थ की कन्वर्सेशन सुन लेता है जिसकी वजह से वो टूट जाता है क्योंकि ट्रायल लिस्ट में भी उसका नाम नहीं होता इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो वापस अपने होम टाउन लौट जाता है वहाँ उसका कोच उसको मोटिवेट करता है वापस जाकर खेलने के लिए लुक्रम वापस लखनऊ आता है और पार्थ सर उसकी हेल्प करते हैं वो उसे एक ऐसी टीम में जोड़ते हैं जो लोकल लोगों को जोड़कर बनी होती है जिसमें कुछ प्लेयर बोल नहीं सकते कुछ सुन नहीं सकते ईश्वर को पता चलता है लुक्रम के साथ भेदभाव हुआ है वो जब उसके लिए आवाज़ उठाता है तो उसे विक्रम टीम से बाहर निकाल देता है ईश्वर लुक्रम से मिलता है और वो उसकी टीम के साथ खेलना शुरू कर देता है चैंपियन लीग स्टार्ट होती है जिसके लिए उनकी टीम का भी सिलेक्शन हो जाता है जब लुक्रम वाली टीम का सामना विक्रम की टीम के साथ होता है लास्ट मिनट पे लुक्रम बॉल लेकर गोल की तरफ बढ़ता है वो गोल करने ही वाला था कि तभी विक्रम की टीम का एक प्लेयर बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है जिसकी वजह से लुक्रम गोल नहीं कर पाता वो उस प्लेयर की मदद करने लगता है सब लुक्रम को ही देख रहे होते हैं तभी विक्रम लुक्रम को बाजू से पकड़कर ग्राउंड से ड्रेसिंग रूम में लाता है उसी बीच पार्थ भी आ जाता है विक्रम लुक्रम को बताता है इस स्पोर्ट्समैनशिप की वजह से टीम हार जाती इसी वजह से 20 साल पहले एक प्लेयर को टीम में सेलेक्ट नहीं किया था फिर विक्रम फेवरेटिज्म के बारे में बताता है लुक्रम की तरह गलती करके उस प्लेयर ने उन्हें आसान मौका दिया कि वो उसे बाहर कर सकें वो प्लेयर कोई और नहीं बल्कि खुद विक्रम था फिर विक्रम फाइनल में लुक्रम को अपनी टीम की तरफ से खेलने को बोलता है फाइनल में लुक्रम विक्रम की टीम की तरफ से खेलता है मूवी यहां खत्म हो जाती है मूवी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन को दिखाया गया है किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के साथ ये घटनाएं है होती हैं और मूवी के अंदर के के मैनन की जबरदस्त एक्टिंग है उनकी दो स्पीच हैं एक पहली ग्राउंड पे है वो बहुत गजब लगती है दूसरी जब लुक्रम को पकड़ के लेके आते हैं डायरेक्शन कहीं कहीं बहुत ढीला पड़ जाता है मतलब यहाँ तो आपको लगता है कि ये क्या मतलब थोड़ा अच्छे से दिखा सकते थे इसको है ना एक सीन जो बहुत अच्छा लगता है मुझे वो ये है कि जो फंड रेज करते हैं वो अपने फुटबॉल के करतब दिखा दिखा के ताकि उनका उनकी टीम चैम्पियन लीग में मतलब अपना अपने आप को रजिस्टर कर सके तो वो बहुत अच्छा लगा था मुझे इसमें और ओवरऑल ठीक ठाक मूवी आप देख सकते हैं मैं इस मूवी को थ्री स्टार दूंगा ये इस मूवी सिर्फ़ और सिर्फ आप के, के मैनन की वजह से देखें जाके बहुत अच्छा काम किया उन्होंने